हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे किस तरह से एक सिंगल इमेज से 3D फेस बना सकते हैं। मॉडल का पूरा फेस आप 3D सिर्फ एक सिंगल फोटो से बना सकते हैं और कुछ ही सेकंडों के अंदर आप बना सकते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। ये देखिए, जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये 3D मॉडल का है और ये जो शक्ल आपको नजर आ रही है ये ऋतिक रोशन का जो फेस मैंने यहाँ पर बनाया है एक सिंपल इस फोटो से। ये 3D फेस हमने बना दिया और एकदम यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप भी अपना बना पाएंगे। बस आपको करना क्या है, ये वीडियो कंप्लीट देखना है, उसके बाद में आप भी अपना कुछ ही मिनट के अंदर ये बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज में लेंगे वो है CrazyTalk 8। CrazyTalk सॉफ्टवेयर है, उससे आप ये काम कर सकते हैं। 2D या 3D के अंदर फोटो से आप बना सकते हैं फेस मॉडल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। CrazyTalk सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद में देखिए हम क्या करेंगे। यहां पर ऊपर ही ऑप्शन है एक क्रिएट एन एक्टर 2D या 3D, तो हम 3D बनाएंगे। एक फोटो से हमें बनाना है। यहां पर ये बता रहा है कि फोटो किस तरह से आपकी होनी चाहिए। आप एक फोटो को फ्रंट से और लेफ्ट से इस तरह से यहाँ पर फ्रंट वाले लेके आएंगे, यहाँ पर लेफ्ट या राइट वाली साइड फेस जो होगा वो आप यहाँ पर लेके आएंगे। आप चाहें तो सिर्फ फ्रंट फेस से भी बना सकते हैं, ये भी आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए सिर्फ फ्रंट फेस से बना करके दिखा रहा हूँ कि आप किसी का भी फेस किस तरह से 3D की मॉडल के रूप में बना सकते हैं। बैड एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं होने चाहिए और इस तरह के अगर आप लेंगे तो फोटो अच्छी तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप करेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा, लेकिन आप इस तरह से लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बाल वगैरह हो, किसी महिला की फ़ोटो हो तो उन पर इस साइड में आप बांध लें या मतलब आने नहीं चाहिए चेहरे के इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। मेरे पास में यहाँ पर एक फोटो है ऋतिक रोशन की और इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से रोटेट वगैरह कर सकते हैं फोटो को और बस जस्ट एकदम सिंपल सीधी और ना हंसने वाली होनी चाहिए फोटो। कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चेहरे के ऊपर होना चाहिए। जैसी हो वैसी की वैसी लेके आएंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप स्क्रॉल दबा करके स्क्रॉल जो बटन है माउस का उसको घुमा करके इस तरह से जूम कर सकते हैं। और बाकी ऑप्शन यहाँ पर है हैंड टूल वगैरह, जूम इन आउट करने के ऑप्शन, तो वो सारे आप काम कर सकते हैं। टूल के ऊपर वापस क्लिक करेंगे हट जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट बना देता हूँ कि इस आई के ऊपर मुझे यहाँ पर पॉइंट बनाना है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनाना है, फिर पॉइंट यहाँ पर, फिर पॉइंट यहाँ पर, ये सब अपने आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बना रहा है यहाँ पर जो नाक का सबसे ऊपरी हिस्सा जो पॉइंट होता है ऊपर की साइड में, इस जगह पर हमें बनाना है। और उसके बाद में फेस के यहाँ पर और एकदम यहाँ पर और एक इस जगह पर फिर इस साइड में बनाना है। तो यहाँ पर जो कान के आसपास यहाँ पर जो फेस का हाईएस्ट विड्थ होती है यानी कि चौड़ाई जो फेस की यहाँ तक होगी ज्यादा से ज्यादा, जैसे यहाँ अंदर की साइड में जा रहा है या अंदर की साइड में जा रहा है तो यहाँ तक बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कान के थोड़ा नीचे तक यहाँ तक बना लेता हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट गर्दन के पास में से जो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं जो फेस इस तरह से गोल होके आ रहा है, इधर गर्दन भी आ रही है, तो तीनों जो यहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर बना देंगे। एक चोटी के नीचे बना देंगे यहाँ पर और एक फिर यहाँ पर बना देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो बनाएंगे सेम यहाँ पर बना देंगे और लास्ट वाला पॉइंट जो है हाइट बताएंगे कितनी है। तो ये आप इस तरह से अंदाज आइडिया लगा सकते हैं कि इतनी सी हाइट होगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस हिसाब से यहाँ पर लगा देता हूँ, बस कंप्लीट हो गया। और फिर नेक्स्ट करेंगे और आपके सामने यहाँ पर 3D मॉडल फेस का जनरेट होकर के आ जाएगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम कितना लेगा डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो रैम, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह जो कितना है। ये आ गया है फेस, इसको पकड़ करके आप इस तरह से देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दे रखा है कि मेल, अभी ये मेल का है तो आप फीमेल का है तो फीमेल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होगा कर्व के अंदर। और उसके बाद में एशियन है या फिर बिग नोज वाला है, अफ्रीकन है, जैसे अफ्रीकन है तो आप अफ्रीकन सिलेक्ट करेंगे। और आप इनमें से नहीं करना चाहते, बाय डिफॉल्ट जो वही रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो बेस है वही आप सिलेक्ट करेंगे। अब अफ्रीकन के अंदर नाक इस तरह से थोड़ी मोटी मोटी और कुछ इस तरह से आएगा, तो ज़्यादा बेटर मुझे बेस जो है वही लग रहा है। और आपको अगर लगे कि ज़्यादा बेटर अफ्रीकन या एशियन वाले में होगा, वो जो व्यक्ति होता है वो कहाँ किस तरह का उसका चेहरा है अफ्रीकन एशियन, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। सब करने के बाद में आप चलेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट के अंदर आपके पास में बहुत सारे इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे जहां पर आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहां पर आपके सामने खूब सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इस साइड में ये 3D फेस है, यहां से आप एक्स दबा करके भी इधर लेके आ सकते हैं और सी दबा करके 3D भी इस तरह से करके देख सकते हैं। आपको करना क्या है, यहां पर यहां से आई सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट राइट इस तरह से, और उसके बाद में जो पॉइंट्स है उनको सही जगह पर रखना है। मतलब इसने ऑटोमेटिक अगर सही जगह पर नहीं रखे हैं तो आप इनको बाद में रख सकते हैं। तो मान लीजिए इस तरह से हमने ये रख दिया और उसके बाद में जो आंखें हैं उसको हम सेट कर देंगे हल्का हल्का सा, एकदम उसी हिसाब से जहां पर इनको होना चाहिए। उसके बाद में सबसे टिपिकल पार्ट जो होता है नाक वाला है होता है। अब ऋतिक रोशन का जो ये नाक है कुछ आपको पता है इस तरह का नहीं है, और नाक जो है वो सभी के डिफरेंट होता है करीब करीब, तो उस हिसाब से हमें इसको एडजस्ट करना होगा। तो किस तरह से करेंगे, ये जो पॉइंट्स है इनको हम यहाँ पर रखेंगे, एक पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे और ये पॉइंट हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ये पॉइंट हम यहाँ लेके जाएंगे। तो नाक का ये जो पार्ट है यहाँ पर थोड़ा सा ओपन इस तरह से है, तो देखिए इस तरह से नाक को हमने एडजस्ट कर लिया। अब ये पॉइंट्स आप सेलेक्ट करके इनको तो कर सकते हैं, इसके अलावा ये जो एरिया है अंदर का और बाहर का, अंदर वाले को इस तरह से पकड़ के नाक जैसे किसी की इस तरह से ऊपर की साइड में होती है, इस तरह से किसी की नीचे की साइड में होती है, तो ऋतिक रोशन की थोड़ी सी इस तरह से नीचे की साइड में, तो हम थोड़ा नीचे कर देंगे। आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, इस तरह से बाहर की साइड में फुली हुई हो किसी की, यहाँ पर हमें फुली हुई नहीं करनी है, बस इस तरह से करनी है। तो ये नाक जो है करीब करीब हमें अब ऋतिक रोशन की जो नाक है उस हिसाब से लगने लगी है। माउथ की बात करें तो ये भी हमें करना होगा कि ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए इस तरह से, और ये पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, ये ऊपर जाएंगे दोनों के दोनों, और ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पर, हो गए। ये हमने इसको कर दिया। उसके बाद में फेस, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कान वगैरह और ये जो पार्ट है अगर कहीं पर सही नहीं है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और उसके बाद में ये ऊपर का पार्ट है इसको भी आप कर सकते हैं, और ये यहाँ पर जो फोरहेड है जो माथा यहाँ पर है वो कितना होना चाहिए उसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से गाल है ये नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में, यहाँ से थोड़े से फुगे हुए, इस तरह से दिखाने कैसे दिखाने दिखा सकते हैं। और राइट साइड से साइड देखना है तो यहाँ पर भी इसका लिए ऑप्शन है कि साइड फिटिंग आप करना चाहें यहाँ से देख करके, तो इस तरह से कर सकते हैं देख करके। और वापस आ जाते हैं फ्रंट की साइड में आई, जैसे आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आई बोल डेप्थ अंदर की साइड में आई बोल नजर आएगी आपको, देखिए आगे की साइड में लेनी है अंदर की साइड में, इस तरह से मैं कर देता हूँ। तो इनकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ये देखो बाहर निकली हुई होनी चाहिए, अंदर बैठी हुई होनी चाहिए, तो किस तरह से इनकी आई बोल की डेप्थ होनी चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वापस कर देता हूँ 0। इसी तरह से माउस जो है खुला हुआ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये दांत बाहर की साइड में और कितने होने चाहिए, बाई डिफॉल्ट किस तरह का आप रखना चाहते हैं, घुमा करके टीथ वगैरह दिखाना चाहते हैं या फिर आप ये नहीं दिखाना चाहते, तो ये सब यहाँ से कर सकते हैं। वॉल इस तरह से करेंगे तो ये कुछ खुलता हुआ और ये इस तरह से ये दिखाएगा, इसको रोक देते हैं, कॉन्स्टेंट दिखाएगा तो इसके अंदर भी कुछ डिफरेंट दिखाएगा, तो ये सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं साइड फिटिंग, और साइड फिटिंग इस तरह से आप कर सकते हैं, अगर दो फोटो आप लेके आएंगे तो दूसरी फोटो के हिसाब से आप कर सकते हैं साइड फिटिंग। नेक्स्ट है टेक्सचर ब्लेंडिंग, यानी कि यहाँ पर आप जो स्किन का कलर वगैरह है और जो यहाँ पर देखिए सामने की साइड को छोड़ के यहाँ पर जो ये टेक्सचर आ रहा है ये किस कलर में आना चाहिए, और सिलेक्ट स्किन कलर, यहाँ से आप स्किन का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो सिलेक्ट करने के बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, रफनेस किस तरह से फाइन होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए, ये स्किन किस तरह से होनी चाहिए ये चीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं। तो रफ होगी तो फिर ये टेक्सचर इसके अंदर जो एक तरह से आ रहा है कितना इसके अंदर आना चाहिए, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, तो मैं इतना कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा करेंगे तो कुछ इस तरह से फेस हो जाएगा।
लेकिन हल्का हम कर देते हैं, इतना मैंने कर दिया यहाँ पर बस। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिटेल्ड मॉर्फ करना है। तो इसके अंदर आपके पास में कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आप जैसे नोज है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, नोज को एडजस्ट कर सकते हैं कि नोज ब्रिज जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जीरो है इसकी सेटिंग। इसको ऊपर की साइड में रखना है, नीचे की साइड में रखना है, जैसे किसी की नोज कुछ इस तरह से होती है तो इस तरह से रखना है, इस तरह से ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट जो जीरो था वही रख देता हूँ। तो ये ब्रिज का कर्व है वो किस तरह से करना है, ये सारी चीजें, उसके बाद में ये सारी चीजें आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। जो गाल है वो किस तरह से दिखाने है, फैटी दिखाने है इस तरह से या पिचके हुए दिखाने हैं, कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे नीचे की साइड का जो पार्ट है वो इस तरह से दिखाना है, नहीं दिखाना है, जो ठोडी वाला यहाँ पर पार्ट है और चिन जो ठोडी ठोडी के साइड में है वो वाला पार्ट है। और उसके बाद में इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी थोड़ी सी डेप्थ नहीं रखेंगे, सही है। उसके बाद में अपर थिन और ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। मुंह जो है वो किस तरह का आपको रखना है, यहाँ पर सब कुछ एडजस्ट आप कर सकते हैं। फोरहेड जो है उसको कर सकते हैं, फोरहेड ये ठीक लग रहा है। इस साइड से आप देखेंगे तो कुछ अलग नजर आएगा, इस साइड से तो यहाँ पर किसी का आगे की साइड में होता है, किसी का इस तरह से होता है। हमें एकदम राउंड करना है, यहाँ पर जीरो कर देते हैं, हो गया। तो ये सब करने के बाद में आपका जो है फेस का मॉडल बिल्कुल तैयार हो गया है। उसके बाद में आप अप्लाई कर देंगे और ये ऋतिक रोशन यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद में क्या करना है, कुछ चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ, बाकी हम और नेक्स्ट वीडियोज होंगे उनके अंदर देखें किस तरह से पूरी बॉडी आप बना पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अब करना क्या है नेक्स्ट। जो सेटिंग हमने की थी वो सेटिंग आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी वापस, जैसे आंखों को एडजस्ट करना है, माउथ को करना है, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको घुमाना है तो इस तरह से घुमा करके इधर उधर कर सकते हैं हल्का फुल्का, और इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा पीछे लेना है आगे लेना है, ये काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऊपर लेना है थोड़ा सा, ये ऊपर हमने ले लिया, ये सब हमने कर लिया। और उसके बाद में वापस होम पे क्लिक कर देते हैं, ये होम पे आ जाएगा, फुल स्क्रीन पे करके देख सकते हैं। बस इतने से इसके अंदर ऑप्शन है। अब मान लीजिए इसको कुछ बुलवाना है आप, है ना, आप बुलवाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक इसके अंदर कुछ साथ में दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर जो दिए हुए टेम्पलेट उनको अगर अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। और अगर ये मेल को यहाँ पर आप करेंगे, पार्टी मेल अप्लाई हो जाएगा, सभी अप्लाई नहीं होंगे, ये देखिए पूरा वो रूप ही चेंज हो गया इसके अंदर, ये बाय डिफॉल्ट जो था तो बिल्कुल लग रहा है ऋतिक रोशन जैसा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किस तरह से आप इसको बुलवा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आप एनिमेशन के अंदर जाएंगे, रिकॉर्ड ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी डायरेक्ट ये ऑप्शन है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो रिकॉर्ड ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और हमें कुछ बुलवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ऋतिक रोशन क्या बोलेगा मुझे आवाज तो निकालनी नहीं आती, अपनी आवाज में मैं बोल देता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के इस वीडियो के अंदर आप सीख रहे हैं किस तरह से आप 3D मॉडल फेस बना सकते हैं किसी भी एक सिंगल फोटो से, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, फटाफट से। चलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर लिए, ओके कर देंगे। और अब आपको ये बताना है क्या करवाना है इस रिकॉर्डिंग से, सुनवाना है या फिर लिप सिंक्रोनाइज करना है, यानी कि आवाज नहीं निकालनी है, सिर्फ होंठ हिलाने या बात करनी है, तो हमें बात करनी है, यहाँ पर बोलना चाहिए। अब ये बोल के बताएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब नीचे की साइड में जो आपको टाइमलाइन नजर आ रही है, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से बोलेगा, यहाँ से बोलेगा। और दूसरी बात, टाइमलाइन को एक्सपेंड करने का जो तरीका है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये ऑडियो है यहाँ पर, ये ऑडियो है, नीचे ऑटो मोशन है यहाँ पर, जो ऑटोमेटिक ये हिल रहा है, कुछ कर रहा है, वो सब चीज है। तो आप अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है, इसको बोलते हैं फेस पुपेट, क्लिक करेंगे और यहाँ से आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं टाइमलाइन के ऊपर। जैसे यहाँ से आप करना चाहते हैं रिकॉर्ड करेंगे, इनमें से सिलेक्ट कर ले किस तरह वाला करना चाहते हैं आप, मान लीजिए ये वाला करना चाहते हैं रिकॉर्ड, स्पेस दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। और ये जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये माउस का जो बटन है
इससे ये इस तरह से हिलाएगा और माउस जैसे जैसे लेंगे तो गर्दन इस तरह से होगी, ऊपर नीचे इस तरह से हो जाएगी। ये सब रिकॉर्ड हमने कर लिया। अब ये वाला रिकॉर्ड करना है, ये रिकॉर्ड करेंगे, स्पेस दबाएंगे, ये ऊपर की साइड में चिंता के अंदर हो रहा है ये देखिए, और ये वाला करेंगे रिकॉर्ड स्पेस। कैसे करता है, जैसे आप इनमें से क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है, अब आपको स्पेस दबाना है और अब आप माउस का लेफ्ट बटन जैसे क्लिक करेंगे तो आंखें झपकाएगा और लेफ्ट लेके जाएंगे तो लेफ्ट देखेगा, राइट लेके जाएंगे तो राइट देखेगा, इस तरह से करेगा, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और इस तरह से ये रिकॉर्डिंग आप इस तरह से करेंगे, ठीक है, ये करना है इसका तो ये करेगा। अच्छा, यहाँ से आप हेड की मूवमेंट कहाँ कहाँ से होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, ये आपको डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए इतना करना है स्पेस, तो ये देखिए एकदम जो मूवमेंट है वो इस तरह से हो रहे हैं, बच्चे की तरह हो रहे हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी का पार्ट बनाऊंगा नेक्स्ट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे पूरी बॉडी बनाना भी हम सीखेंगे सब कुछ। तो ये देखिए बना दिया, ये बहुत ही गजब का है दोस्तों, और इसको आप भी यूज में ले सकते हैं, और जो ऑफिशियल इसका लिंक है साइट का डाउनलोड करने के लिए क्रोजी टॉक, इसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्लिक करके आप देख डाउनलोड कर सकते हैं और आप इससे अपने 3D फेस मॉडल बना सकते हैं। इसके बाद में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, बाकी के जो पार्ट हो गए नीचे बॉडी वगैरह सारी चीज़ें वो किस तरह से आप बना सकते हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट मेरे वीडियोस देखते रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल संजय कुमार स्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये किस कैसा लगा आपको 3D फेस बनाने वाला 2D फोटो से। अगर आप इससे अलग डिफरेंट कोई और भी अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ में लेते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं, और आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस इसके अंदर ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।